आइए कोई आए जल्दी से, कोई भी एक प्लेयर आए जल्दी से आके निकालिए, चिट मुझे दीजिए, मैं सिचुएशन बताता हूँ। क्या कर रहे हो, खाना पका रहे हो तुम? ये सही है, बकरा ईद है, लेकिन ये थोड़ी बोला कि बताओ यार, हलीम मना रहा है यार ये, देखा जल्दी से। चलिए जी रेडी है गाइस, गौर से सुनिएगा। किसी ड्रामे का शूट चल रहा है, सास और बहू की लड़ाई होगी। सास, तुम्हें कुछ भी पकाना नहीं आता है, बस फैशन करवा लो तुमसे। आखिर में बहू को रोना आएगा और बोलना है ये मैंने नहीं आपकी बेटी ने पकाया है। ये आखिर में सीरियस भी हो जाएगा, मजाक होते होते। गौर से सुनो, किसी ड्रामे का शूट चल रहा है, कोई सीन हो रहा है, सही है, उसमें सास बहू की लड़ाई हो रही है। सीन के अंदर सास कह रही है तुम्हें तो कुछ पकाना नहीं आता है, बस फैशन करवा लो तुमसे। आखिर में बहू को रोना आएगा और बोलेगी ये मैंने नहीं आपकी बेटी ने बनाया था। कौन कौन आएगा जल्दी से आओ, इसको ड्रॉप साइड में करो, 90 सेकंड्स है, खुल के एक्टिंग करना बस। कौन कौन है, सास बहू पहले, कौन कौन है ये बताओ, सास बहू कौन है? आ जाओ भाई, सास और बहू जल्दी से आ जाओ, सास बहू, और आखिर में एक बहन भी आएगी। एक मिनट मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। आखिर में एक बहन आएगी और उनके हस्बैंड जो होंगे वो कहीं मिडिल में आ सकते हैं, भाई ये क्या लड़ाई है, क्या माजरा हो रहा है, ये सिर्फ सीन चल रहा है। हाँ, और एक एक डायरेक्टर भी चाहिए मुझे, आ जाओ जल्दी से। गाइस टाइम जा रहा है, 5 4 बेटी आखिर में आएगी। बेसिकली सास बहू है, एक डायरेक्टर होगा जो एक्शन बोलेगा, सही है, और आखिर में हस्बैंड भी कहीं पे आ सकता है मिडिल के अंदर कि क्या माजरा है। बहुत आसान है, देखो देखो ये सीन चल रहा है ड्रामे का, ठीक है। कौन है सास? सास बोलेंगी तुम्हें तो खाना बनाना आता ही नहीं है, सिर्फ फैशन करवा लो तुमसे। अब इसको तुम कितना प्रोलॉन्ग कर सकते हो, किस तरह कॉमेडी भी यूज कर सकते हो, सीरियस भी कर सकते हो, अप टू यू गाइस। मैं एक्टिंग देखूंगा किसकी बेहतर है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। रेडी, 90 सेकंड्स है तुम लोगों के पास, डायरेक्टर साहब रेडी, रेडी गो, आर यू रेडी, टेक 1। कैसी झल्ली बहू है, तुम्हें खाना पकाने नहीं आता, क्या बना है, फैशन करवा लो, बाल उड़वा लो, बस जुल्फे संवारती रहती हो अपनी। अच्छा तो बना है, क्या अच्छा बना है इसमें मुझे जरा बताओगी? ये आप करेले भिंडी चेक करें, ये आप भरता आलू चेक करें, ये आप, मैं क्यों चेक करूं, तुमने इतना जहर खाना बनाया उसमें बिल्कुल नमक ही नहीं है। तुम्हें खाना बनाने नहीं आता, बस कपड़े पहनवा लो, हील्स पहना के घुमा लो, करेले जैसी तो तुम्हारी शक्ल है। टेक 2 मुझे ही बता रही हो, डायरेक्टर को बता रही है, टेक 2 लड़ना नहीं है यहाँ पे। ये गलत बोल रही है, तो उसको बता, उसके बाल खींचो और उसको यहाँ पे रोड पे घसीट दो, लेकिन लड़ना नहीं। अच्छा सॉरी, टेक 2। ओ कल मंजुलिका, हेलो, ये क्या खाना बनाया है? क्या मतलब क्या खाना बनाया सासू माँ? अच्छा तो बना, क्या हो गया है? दांत इतने लंबे लंबे, खाना पकाना नहीं, हाथ इतने लंबे लंबे, नाखून देखो उसमें मैल भरा हुआ है, गंदी कैसे खाना बनाती हो? खबरदार, मेरी बेटी को कुछ बोला शकुंतला देवी? अबू जी ये देखे काम करवाते हैं हर बार। मेरी चांद से नूर जैसी बेटी को तुम क्या करवा रही हो आंटी? हई हई बाल देखो, बिरयानी में बाल निकली, तुम्हारी उम्र हो गई है, वो गिर रहे नूडल। एक सेकंड अबू जी, ये खाना मैंने नहीं बनाया था, आपकी बेटी ने बनाया था। इतनी मीठी लग रही है ना रुचि, खाने में नहीं बनाई था आपकी बेटी ने अगर मैं आपकी बेटी नहीं हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि आप मुझ पे जुल्म करेंगी। अल्लाह आपकी बेटी से निकलवाए। टाइम ऑफ जबरदस्त, आ जाओ जल्दी से लाओ भाई, अब सिचुएशन निकालेंगे। हुसैन साहब आइए जल्दी से, कोई भी एक सिचुएशन निकालिए जनाब, रेडी हैं आप लोग? गौर से सुनिएगा सिचुएशन। अच्छा ईद के दिन लड़का लड़की से मोहब्बत का इजहार करना चाहता है मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। लड़का दुनिया की और इधर उधर की सारी बातें कर देगा मगर मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाएगा। ये फनी नहीं है, इट हैज टू बी रोमांटिक, सही है। लड़का इधर उधर की सारी बातें कर देगा, आई लव यू बोल नहीं पा रहा है, सही है। कौन कौन आएगा? मुझे पता था ऐसे कामों में आमिर सबसे पहले आएगा, बताओ कर आया। 90 सेकंड्स है आपके पास, रेडी, ईद का दिन है और आपने इनको कहना है लेकिन आप कह नहीं पा रहे हैं कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। हाँ, दोस्त हो गई आपकी लेकिन आपको मोहब्बत हो गई, आप कह नहीं पा रहे हैं इनसे, सही। अच्छा, आपको भी शायद इंतजार हो कहीं कि ये आज तो बोलेगा, दिल में शायद प्यार है। रेडी, 90 सेकंड्स है, रेडी गो। अंजलि, तुम्हें बताया माइक करीब करके आमिर। अंजलि, ईद
तुम्हें पता है आज ना ईद पे मैं कुछ मिस कर रहा था। क्या मिस कर रहे थे? वो मूवी देखी है तुमने? कौन सी वाली मूवी? वो वाली जिसमें वो लड़का उस लड़की को कह नहीं पाता, दोस्त होते हैं, प्यार का इजहार नहीं कर पाता। हाँ वो मूवी तो मैंने देखी है, पर उस मूवी का अभी इस बात से क्या लेना देना। एक्चुअली अंजलि मैं तुम्हें ना, तुमने कभी देखा है कि प्यार में भी मोहब्बत होती है? जैसे हम दोस्त हैं तो एक मोहब्बत है हमारे दरमियान। हाँ तो प्यार में ही तो मोहब्बत होती है, करेलों में मोहब्बत छोड़ी होती है पागल। एक्चुअली अंजलि ना देखो, जब हम घर में रहते हैं देखो, हाँ। दो लोगों को ना जिंदगी गुजारनी पड़ती है आगे लाइफ में, हाँ। जैसे हम देखते हैं लैला मजनू, हीर रांझा, देखो इन लोग नहीं मिले, लेकिन मैं चाहता हूँ रियल में दो लोग ऐसे मिले जिन्हें हम जानते हों लाइफ में। तुम कहना क्या चाह रहे हो अंजलि? तुम ना यूं समझो, अगर कोई तुमसे मोहब्बत करता हो, तुम्हारा दोस्त हो कोई, हाँ हाँ। तो तुम उसे हाँ बोलोगी या ना बोलोगी? अरे वो तो डिपेंड करता है, मतलब कि वो मुझसे पूछे तो फिर हाँ बोलूंगी या ना बोलूंगी। और अगर पूछ ले तो? पूछेगा तो फिर हाँ बोलूंगी ना। और अभी पूछे तो? तो अभी हाँ कह दूंगी। लेकिन मैं जय बाप दारिया, आमिर ब्रिलियंट यार, जबरदस्त। देखो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या एक्टिंग की है इन लोगों ने, मेरे हिसाब से ये लोग ज्यादा बेहतर है। ये 3 पॉइंट्स जाएंगे टीम चैंपियंस के साथ। एक मिनट, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूं। देखो कॉमेडी हमेशा भिंडी के मुंह वाले, इस जैसे लगने वाले, ये कर लो, इससे नहीं होती है। कितनी बार करोगे ये सब कुछ? कॉमेडी सिर्फ ये नहीं है। मैंने तुम्हें सिचुएशन क्या बताई थी? मैंने सिचुएशन डायरेक्टर और डायरेक्टर एक ड्रामा शूट हो रहा है, उसमें सास और बहू लड़ेंगे। सास और बहू है, सही है। और उसके बाद मैंने कहा था कि बीच में कहीं हस्बैंड आ सकता है, ये अब्बू बन के क्यों आ गए, ये अब्बू बन के क्यों आए? मैंने तो नहीं बोला था अब्बू बनने के लिए तुम्हें। दूसरी चीज, उस सिचुएशन को तुम बहुत मजे की बना सकते थे। जरूरी थोड़ी है यार एक्टिंग के अंदर तुम सिर्फ कॉमेडी लाओ, उसको सीरियस भी कर सकते हो। मैंने कहा मैं जज करूंगा किसकी एक्टिंग अच्छी। देखो वहां सिचुएशन थी कि दोनों को एक दूसरे से प्यार का इजहार कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं क्या थी, दानिया का वोकल टोन। जहां पर उसको लगा कि उसने इजहार करना है, इसने वोकल टोन चेंज किया है। यहां सबसे ज्यादा पॉइंट लेकर गया। वेल डन दानिया, शाबाश। ये 3 पॉइंट जाएंगे टीम चैंपियंस के साथ। नेशनल पेंट्स की तरफ से डिनर सेट और गिफ्ट बॉक्स जाएगा टीम चैंपियंस के साथ। आ जाओ, हो जाए। और जनाब ये 3 पॉइंट्स के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।